अनुपमा, वो टेलीविजन धारावाहिक जो टीआरपी में लंबे वक्त से टॉप वन में अपनी जगह बनाए बैठा है, जिसने टॉप वन की कुर्सी से मानो ना हिलने की कसम खाली हो। उस धारावाहिक की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली यानी आप सबकी अनुपमा को लेकर अब एक शॉकिंग किस्सा वायरल हो रहा है। जी हाँ, अनुपमा को लेकर एक वायरल हो रही है कास्टिंग काउच कॉन्ट्रोवर्सी। वेल, एक्ट्रेस ने यूं तो कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में एक्ट्रेस को सफलता मिल नहीं पाई। इसके बाद रूपाली ने फिल्मों से तौबा कर ली। हालांकि रूपाली ने बॉलीवुड छोड़ने की वजह नाकामी को नहीं बल्कि कास्टिंग काउच को बताया। हाल ही में रूपाली ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया था। रूपाली ने कहा कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा ना बनने के लिए सोच समझ कर फैसला किया था, क्योंकि उस समय कास्टिंग काउच ने अपने पैर पसारे हुए थे। रूपाली ने कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका सामना ना करना पड़ा हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों को इसका सामना करना पड़ा। मुझसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया, मैंने इसे ना चुनने का फैसला किया। माना गया कि मैंने फिल्मों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि आप एक फिल्मी परिवार से आते हैं, आपको जज किया जाता है, इसलिए आपको असफल मान लिया जाता है। रूपाली ने आगे कहा कि उस समय मुझे छोटा महसूस हुआ था, लेकिन आज मुझे गर्व महसूस होता है। अनुपमा ने मुझे वो स्थान दिया है जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा था और जिसकी मुझे उम्मीद थी, इसलिए अनुपमा मेरे लिए लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है। मैं भगवान और अपने पिता की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरे पिता और भगवान की वजह से ही हुआ। अदाकारा ने फिल्म अंगारा, दो आंखें 12 हाथ, बाहर आने तक जैसी कई फिल्मों में काम किया। वो फेमस फिल्म मेकर अनिल गांगुली की बेटी हैं, जिन्होंने कोरा कागज फिल्म बनाई थी। जी हाँ, फिल्म मेकर की बेटी होने के नाते अनुपमा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत उम्मीदें की गई थी, मगर अनुपमा के अनुसार कास्टिंग काउच के कारण एक्ट्रेस ने छोड़ दी इंडस्ट्री। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।